अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। आई एम योर टीचर तैयबा बाबर। स्टूडेंट्स, लेट्स टेक आउट द पेज नंबर 32, 33। टुडे वी विल डू 2 पेजेस इन क्लास वर्क एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट 2 पेजेस फॉर होमवर्क 34 एंड 35। स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव डन येस्टरडे इन योर प्रीवियस लेक्चर, वी हैव डन द एडिशन सम्स। हमने एडिशन सम्स किए थे और आपने उन्हें सॉल्व किए थे, ठीक है। लेट्स टेक आउट पेज 32 एंड राइट डेट हियर 05/05/2021 क्लास वर्क एंड वेंसडे। राइट द सेम डेट ऑन द नेक्स्ट पेज 05/05/2021 क्लास वर्क एंड वेंसडे। व्हाट यू हैव टू डू ऑन दिस पेज, व्हाट शुड बी एडेड, इसमें क्या ऐड किया जाए, ठीक है। अब ऐड करने के लिए आपको डायरेक्ट गिनने के लिए मुश्किल हो जाता है नंबर, ठीक है। पिक अ नंबर फ्रॉम द अबव गिवन नंबर्स टू बी एडेड टू गेट द आंसर। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। 22 में क्या ऐड करें तो 47 बनेगा। अब यहाँ से ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्ट आप क्या करेंगे कि आप बड़े नंबर से छोटा नंबर कट कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके पास फर्स्ट डिजिट है तो यहाँ पे 47 है और ये 22 है, तो विच इज़ ग्रेटर, ठीक है। ये तो आंसर निकालना है ना, खुद आपने ढूंढना है। 47 में से 22 कट करेंगे तो 25, तो आंसर इज 25। इसी तरह नेक्स्ट आप देख लें, 145 है और 70 है। 145 में से 70 कट किया तो 75 बचा, तो आंसर आ गया। इसी तरह 90 में से 10 कट करेंगे तो 80, 110 में से 80 कट किया तो 30। बाकी भी ऐसे ही आपने बड़े नंबर में से छोटा कट करके जो आंसर आएगा वो आपको बॉक्स में लिख देना है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 3 डिजिट नंबर्स 1 से 100 तक आ गए, अब ऐड करेंगे। 6 में 1 ऐड करेंगे, 4 में 2 और 4 में 3। 6 में 1 7, 4 में 2 6, 4 में 3 7। नेक्स्ट 4+2 6, 6+3 9 एंड 5+2 7। तो रिमेनिंग पार्ट्स ऐसे ही आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, इस पे आप लोगों के कैरी वाले थोड़े सामने, पेज नंबर 34 पे डेट लिखनी है। सर, पहले आपने 05/05/2021 होमवर्क और वेंसडे। नेक्स्ट पेज पे भी ऐसे ही आपने डेट लिखनी है, 05/05/2021 होमवर्क एंड वेंसडे, राइट। अब इस पे एडिशन सम्स एक करके दिखा देती हूँ और बाकी आप खुद करेंगे। 6+7 13 होते हैं, 6 में 7 ऐड करेंगे 13, 3 लिखा 1 कैरी किया, 4 में ये नंबर और कैरी प्लस करेंगे, 4+1 5, कैरी प्लस किया तो 6 आ गया, 2+1 3। नेक्स्ट देखिए, 9 में 6 ऐड करेंगे, 9 के बाद 5, 6 और 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 आ गया। 5 यहाँ लिखा, 1 कैरी चला गया, 3+2 5+1 6 और 5 एज इट इज नीचे आ गया। ऐसे ही बाकी रिमेनिंग सम्स भी आपने ऐड अप करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 35 पे आ जाए, ऐड टू आंसर दिस कन्वर्टिंग वेयर नेसेसरी, ठीक है। आंसर करना है आपने इन वर्ड प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सम बना के, और जैसे जैसे आपको समझ आ रही है पहले उसको पढ़ लें। साइमा हैज़ 151 स्टैम्प्स, शी कलेक्ट्स 109 मोर। इतनी स्टैम्प्स उसके पास थी, इतनी उसने और कलेक्ट की, हाउ मेनी स्टैम्प्स डज शी हैव ऑल टुगेदर। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मदर इज़ रीडिंग अ स्टोरी बुक ऑन सैटरडे, सैटरडे को स्टोरी बुक पढ़ रहा था। ही रीड 244 पेजेस ऑन संडे एंड 126 पेजेस, ठीक है। अच्छा, ऑन सैटरडे ही रीड 244 पेजेस, ऑन संडे ही रीड 126 पेजेस। टोटल पेजेस उसने वीकेंड में कितने रीड कर लिए, तो 1244 और 126 को ऐड अप कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, अदीवा ईट्स 56 ग्रेप्स, समीहा ईट्स 118 ग्रेप्स। तो दोनों ने मिला के टोटल कितने ग्रेप्स खाए, 118+56 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इन अ लाइब्रेरी देयर वाज अटेंडेंस ऑफ 636 गर्ल्स एंड 241 बॉयज इन अ वीक। हफ्ते में इतनी गर्ल्स और इतने बॉयज प्रेजेंट थे, ठीक है, उनकी अटेंडेंस थी। तो टोटल चिल्ड्रन कितने हो गए उस हफ्ते में, तो दोनों को 636 और 241 को प्लस कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ई पार्ट में एक और ऑर्चर्ड है रिहान, उसमें रिहान ने क्या किया, ट्रीज प्लांट किए, ठीक है, छोटे छोटे सैपलिंग्स, पौधों के जो कलम होती है उसको प्लांट किया, ठीक है, पौधे लगाए। 152 मैंगो लग के प्लांट्स उसने लगाए और 38 गावा प्लांट्स लगाए, ठीक है। हाउ मेनी सैपलिंग्स डू दे प्लांट ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने पौधे लगाए गए, टोटल पौधे 152 और 38 को ऐड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पेज नंबर 34 और 35 आपका होमवर्क है और प्रीवियस पेजेस 32 और 33 आपने क्लास वर्क में ऐड अप करने हैं। बहुत आसान काम है, आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस वर्क। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट वर्क पेज नंबर ऑन पेज नंबर 36। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।